अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिस्टर टेक एंड आई एम वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो गाइस, आज भी मेरे पास आप लोगों के लिए काफी सारी इंटरेस्टिंग गेमिंग कम्युनिटी पबजी मोबाइल कंपेटिटिव रिलेटेड और ई स्पोर्ट्स के रिलेटेड न्यूज़ है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड यार वीडियो को लाइक कर देना, और किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। तो सबसे पहले बात करें, जो इतने अरसे से मैंने यूसी जमा करके रखे थे, आप लोग कह रहे थे यार भाई खर्च कर दे क्या करेगा, तो मैं इंतजार करता M416 अपग्रेडेबल का, जो कि आ चुकी है M416 टेक्नोकोर। इसकी मैंने जो है ओपनिंग की, उसको लेवल अप किया और UMP की भी थोड़ी सी खोली और सारे के सारे यूसी उड़ा दिए। तो इसकी जो वीडियो है वो आपको सेकंड चैनल मेरे मिस्टर टेक गेमिंग पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इस वीडियो के बाद आप लोगों ने जरूर जाके देखना है अगर आपने नहीं देखी तो। काफी मजे की वीडियो बनाई है तो आप लोगों को देख के जरूर मजा आएगा। उसके अलावा बात करें फ्री फायर पाकिस्तान लीग के जो फाइनल है वो अब लैन होंगे, यानी कि पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल जो है कराची में, वहां से 10 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और ऑफलाइन फाइनल्स खेले जाएंगे, यानी कि लैन इवेंट होने वाला है। उनके मुताबिक ये बिगेस्ट ऑफलाइन फाइनल्स ऑफ फ्री फायर इन पाकिस्तान एवर है। तो यार पबजी मोबाइल को भी थोड़ा थोड़ा ऑफलाइन वाली साइड पर दोबारा आना चाहिए। नेक्स्ट बात करें PMPL के बारे में, तो PMPL के वीक 1 के लीग स्टेजेस जो हैं वो हो चुके हैं और हर टीम ने खेले 8-8 मैच, टोटल 10 मैच हुए थे 2 दिन में। तो टीम I8 जो है वो 10th पोजीशन में मौजूद है 59 पॉइंट्स के साथ, तो काफ़ी अच्छा कमबैक देखने को मिला हमें I8 की तरफ से। और टीम बबलू जो है उन्होंने लास्ट मैच में चिकन डिनर लेके अपना स्पॉट कन्फर्म कर लिया सुपर वीकेंड 1 के लिए, लेकिन R3D जो टीम है वो रह गई। लेकिन यार बेस्ट ऑफ लक फॉर द वीक 2, लेकिन इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं वो वीक 2 खेलेंगे, उसके सुपर वीकेंड में जाएंगे और वीक 3 के सुपर वीकेंड में जाएंगे और वहां पर अच्छा परफॉर्म करके फाइनल्स में जाने के चांसेस अभी भी हैं। तो जिन जिन टीम ने PMPL की सुपर वीकेंड के लिए क्वालिफाई किया वीक 1 के, तो आप लोग सामने देख सकते हैं, जो सुपर वीकेंड के मैचेस है वो फ्राइडे सैटरडे संडे को खेले जाएंगे। तो R3D में हसन ओपी की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी रही थी, तो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर और R3D की परफॉर्मेंस के ऊपर कहा कि डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट, कभी आप जीतते हो कभी आप हारते हो, लेकिन प्रॉपर फाइट लेने का कभी मौका नहीं मिला और हम थोड़े से अनलकी भी रहे और कोई एक्सक्यूजेज नहीं है, वी शुड हैव डन बेटर, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक एंड डू बेटर नेक्स्ट वीक होपफुली। एंड क्वालिफाई होने के बाद बबलू दानी जो है उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आप मिलते हैं कॉन्फिडेंस के साथ सुपर वीकेंड्स में। तो इसी के साथ बात करें पिकाचू के बारे में, तो बबलू के साथ पिकाचू जो है वो लीग प्लेयर्स में खेलते हुए नज़र नहीं आए, लेकिन हाँ वो गाइड करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं टीम बबलू को, लेकिन खेलते हुए नज़र नहीं आए। तो इसी के ऊपर जो अलादीन भी लाइव थे और बबलू टीन वुल्फ भी लाइव थे, तो उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि पिकाचू को कब खिलाना है कब नहीं, और उसके बाद शाह के बारे में बात की कि शाह को कब खिलाएं कब नहीं, तो वो क्लिप्स मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा पिका आएगा तो बैठेगा कौन, पिका आएगा तो बैठेगा कौन, ज़िब्यान ज़िब्यान खान में से बैठेंगे। हाँ ज़िब्यान खान, नहीं खान नहीं, खान इज परफॉर्मिंग यार, खान नहीं, नहीं नहीं मतलब देखेंगे ना परफॉर्म कौन कर रहा है परफॉर्म नहीं। हाँ मैं बता दिया ना कौन परफॉर्म कर रहा है कौन नहीं कर रहा, वो अभी ज़िब्यान के सिर्फ 2 किल्स थे, ज़िब्यान के सिर्फ 2 किल्स थे, खान के 9 या 10 थे शायद, इस तरह 12 थे शायद ऐसे कुछ। दानी फिल्टर है, उसे कैसे बिठा सकते हो, दानी को नहीं बिठाना, खेलना ही नहीं है दानी को, नहीं बिठाना ज़िब्यान को बिठाओ, कर रहा हूं भाई 2 से 3 3 से 4 मैचेस के लिए ज़िब्यान को बिठाओ एक दिन के लिए, और अगर अफीका नहीं परफॉर्म करता फिर ज़िब्यान को वापस ले आओ, क्योंकि ज़िब्यान जैसा प्लेयर है ना वो, उसे थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन फिर वो मारता बहुत है भाई, ज़िब्यान शुरू हो गया तो फिर तो बूम बम है भाई, ज़िब्यान और खान दोनों पे सुनवा देता हूँ बारे में, पूछो प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा पूछते हैं, अरे शौ तो नहीं खेलेगा ना अभी, शौ कब खेलेगा, बात करें बहुत ही बड़े कोलैब के बारे में जो करने वाला है स्टार एनोनिमस पाकिस्तान से, DRS के माफिया निंजा, जो कि DRS बहुत ही आला टीम है नेपाल की, आप लोगों ने PMPL में भी देखा होगा, उनके माफिया निंजा जो कि OP प्लेयर हैं उनके साथ कोलैब होने वाला है स्टार एनोनिमस। तो जैसे कि आप पोस्ट में देख सकते हो एक वेट लिफ्टर भी इसमें शामिल है, वो कौन है सारा सीन में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गाइस ये चल रही है शूटिंग बिहाइंड द सीन्स, आप लोग देख सकते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स और मुख्तलिफ लोगों की क्लिप्स मैंने इकट्ठी की हैं, तो आप लोग सामने देख सकते हो ये स्टार एनोनिमस बालकनी में खड़े हैं, ये स्टार एनोनिमस जो है वो रनिंग कर रहे हैं और इनकी जो शूट की जा रही है, इस तरह की कोई वीडियोज आने वाली है, ये लाहौर में शूटिंग चल रही है। बिग पेन, बिग पेन।
तो ये क्लिप आपने देखी डिक्टेटर गेमिंग ने अपलोड की थी। और बात करें कि तला तालिब इसमें शामिल है जो कि वेट लिफ्टिंग उस पोस्टर में दिखाई दे रहे थे, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इनकी भी शूटिंग जारी है और ये तीनों का क्लैब होगा, यानी कि स्टार एनोनिमस का, DRS के माफिया निंजा का और तला तालिब का। कैसा आता है ये हमें देखने को मिलेगा कुछ ही दिनों में, आई डोंट नो इसके रिलेटेड। या वैसे डेड सेल साइको ने भी कहा है कि समथिंग बिग इज कमिंग, बिगेस्ट क्लैब और वॉट। नेक्स्ट बात करें प्रीडेटर के बारे में तो वो अपने इंस्टाग्राम पे Q&A कर रहे थे, तो उनसे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किए गए। टूर्नामेंट्स क्यों नहीं खेल रहे, तो उसका जवाब था कि आई डू प्ले टोर्नीज नॉट ऑफिशियल बिकॉज उनको एक ईयर का बैन पड़ा है। और उनसे किसी ने पूछा कि नेक्स्ट PMCO किससे खेलोगे, तो उन्होंने कहा कि मे बी PES और जब बैन खत्म हो जाएगा तब। और उनसे पूछा कि आप कंपेटिटिव में कमबैक कब करेंगे, तो उन्होंने कहा कि यप व्हेन आई गेट अनबैन। उनसे पूछा कि आप यूट्यूबर्स के टूर्नामेंट्स क्यों नहीं खेलते, उन्होंने कहा कि टोर्नीज और स्क्रेम्स होती हैं इस वजह से। और उनसे पूछा कि यूट्यूब पर 2018 वाला प्रीडेटर कब नजर आएगा, बहुत कम वीडियोस लगाते हैं। इसका जवाब उन्होंने दिया कि इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग माय बेस्ट बट इट्स हार्ड टू मैनेज एवरीथिंग। इसके अलावा FS Black से किसी ने पूछा कि फ्री स्टाइल की मर्चेंडाइज कब आ रही है, तो उन्होंने कहा कि अक्टूबर में इंशाल्लाह। उसके अलावा फोर्ट लाइंस जो है उन्होंने अपना ऑफिशियल रोस्टर अनाउंस कर दिया PUBG मोबाइल का, जो कि आप लोग सामने देख सकते हो। उसके अलावा बात करें Xsonic Gaming के बारे में, जिनके 85K के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, तो अच्छे दोस्त भी हैं, तो उनके चैनल जो है उस पर Tencent की तरफ से 20 कॉपीराइट स्ट्राइक्स पड़ी हैं और उनका चैनल जो है तकरीबन 5 दिन में डिलीट होने वाला है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भी अपलोड की जिसमें उन्होंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया। यार मुझे देख के काफी दुख हुआ और यार Tencent को थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि किसी की मेहनत जाया नहीं करनी चाहिए। तो उनकी वीडियो के नीचे डिक्टेटर गेमिंग कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अफसोस है, आपका नुकसान है, लेकिन GFX टूल कॉन्फ़िग को डिस्कस करना या प्रमोट करना अलाउ नहीं है। मैं अक्सर स्टोरीज लगाता रहता हूं, इस तरह की वीडियोस मत बनाएं जो PUBG अलाउ नहीं करती। तो जिसका रिप्लाई उन्होंने दिया, ब्रो आप हर बंदे को वार्न करते हो, मुझे नहीं किया, आपने हमेशा UC अकाउंट सेलिंग को रोका है, इस चीज़ के बारे में कभी नहीं बताया। तो यार मैं न्यूज़ कवर करता हूं, मुझे पता है कि डिक्टेटर गेमिंग ने कभी भी पब्लिकली या फिर स्टोरीज में नहीं कहा कि आप जो है वो कॉन्फ़िग और फाइल के वगैरह बारे में बात नहीं कर सकते, मतलब मुझे तो नहीं पता, मेरे इल्म में नहीं है। उन्होंने हमेशा अकाउंट सेलिंग और बाइंग को प्रमोशन करने से मना किया है। नेक्स्ट बात करें 47 खलीफा के बारे में, तो वो काफ़ी दिनों से इनएक्टिव थे अपने यूट्यूब पे, तो उसी के बारे में उन्होंने स्टोरी लगाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि सॉरी थोड़े टाइम से गायब वाला सीन, पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से आप वापसी वाला सीन, इंशाल्लाह आज से दोबारा से एक्टिव। उसके अलावा बात करें PMPL अरेबिया के बारे में, तो टीम साइड जो है वो अभी 17 पोजीशन पे है सुपर वीकेंड 2 के बाद, तो अब वीक 3 रहता है, तो देखते हैं वो टॉप 16 आके फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट बात करें इंडिया से मोर्टल के बारे में, तो मोर्टल जो है उन्होंने हैकर्स के बारे में बोला जो कि BGMI में बढ़ते ही जा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि ट्वीट किया, BGMI क्लासिक मैचेस आर टर्निंग इनटू द होम ऑफ चीटर्स, रूइनिंग द फन एवरी 2 out of 5 गेम्स, मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू स्ट्रीम फ्रीली एंड क्रिएट कंटेंट अराउंड द गेम। तो बस यार आज के लिए इतना ही यार, सेकंड चैनल पे वीडियो अपलोड किया, जरूर जाकर देख लेना। अगर आपने नहीं देखी तो यार क्या कर रहे हो, अभी जाकर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा बस आज के लिए इतना ही, बाकी न्यूज़ करेंगे कल कवर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।